एक शिक्षक के पेट में ट्यूमर गांठ हो गई थी। डॉक्टर ने उनसे ऑपरेशन करने को कहा। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। अगले दिन ऑपरेशन होना था। उसी रात को उसी वार्ड में एक रोगी की मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी विलाप कर रही थी कि उसके पास तो गांव ले जाने के लिए पैसे तक नहीं हैं। वो अब कैसे पति का क्रियाकर्म करेगी? शिक्षक बाबा के परम भक्त थे। उनको खुद के दर्द से ज़्यादा उस महिला का विलाप पीड़ा दे रहा था। उन्होंने अपने इलाज को रखे सारे पैसे उस महिला को दे दिए और कहा, बहन धैर्य रखो, परमात्मा ही दुख सहने की शक्ति देगा। ये रुपये ले लो, इनसे अपने पति का अंतिम संस्कार करना। रात में शिक्षक का दर्द बढ़ गया। उन्हें जोर से उल्टी हुई। नर्स ने उन्हें दवा देकर सुला दिया। सुबह जब उन्हें ऑपरेशन के लिए ले जाने लगे, उससे पहले उनकी जांच की गई तो डॉक्टर दंग रह गए। रात भर में शिक्षक के पेट का ट्यूमर गायब हो गया था। डॉक्टर ने कहा कि जब शिक्षक को रात में बड़े जोर से उल्टी हुई, उसमें काफ़ी खून भी निकला, उसी में उसका ट्यूमर भी निकल गया। अब ये बिल्कुल ठीक हैं। अब ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई। बाबा जी कहते हैं, तुम दूसरों का जितना भला चाहोगे, उतना तुम्हारा मंगल होगा। निष्काम परोपकार का प्रतिफल प्रभु तुरंत देते हैं। जय हो नीम करोरी बाबा की जय हो, माँ सिद्धि की जय हो। बाबा सदा अपना भक्तों का कल्याण करना प्रभु, कल्याण करना प्रभु। जय हो प्रभु, जय हो।